हेलो नमस्कार दोस्तों, 24 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ आज हम एक अलग से दूसरा आर्टिकल है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम आज देख लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे साइड में जो सबसे छोटा एडिटोरियल है राइट साइड वाला, ये एडिटोरियल बेसिकली आया है पाकिस्तान में भी इलेक्शन है उस चीज़ को लेकर। तो इसके बारे में यहाँ पे इलेक्शन डिस्कस किया गया, इतने वोटर्स वगैरह हैं, तो दो तीन पॉइंट्स हैं उनको एक बार हम थोड़ा देख लेंगे कि भाई क्या क्या सीनेरियो वहाँ पे सीन है चल रहा है। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बेसिकली आया है वर्ल्ड ऑर्डर के फॉर्म में। इसमें बेसिकली यूएसए और रशिया के रिलेशन वो डिस्कस किए गए कि किस तरीके से दोनों रिलेशन आगे चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। चाइना का एंगल डिस्कस किया गया है। तो देखो ये ऐसे आर्टिकल हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिए हैं कि यूएसए और रशिया के बीच में क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन भी हमने देख ली। और आज हमने यहाँ पे बेसिक से पॉइंट्स पहले भी देखे हैं कि आज के टाइम पे रशिया है वो एक्चुअली देखा जाए तो चाइना और रशिया दोनों एक तरफ होते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों ही यूएसए को क्रिटिसाइज है वो कर रहे हैं, बट ट्रंप है वो भी कहीं ना कहीं उनका कोई एक्शन का कोई भरोसा नहीं होता है। तो वही सारे पॉइंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है नया जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। यहाँ पे जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, बस दो चार पॉइंट ही हमारे लिए काम के, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम बाकी करेंगे यहाँ पे आर्टिकल यह है जीएसटी को लेकर। इस आर्टिकल में अभी यह बताया कि अभी देखो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के दौरान काफी सारे डिसीजन है वो आए। तो देखो हर बार जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ नया टैक्स लेव में चेंज देखने को मिलता है, और इस बार वही कुछ हमें देखने को फिर से मिला। इस बार जो नया चेंजेस देखने को मिला जो हमारे लिए अच्छा था या बुरा था वो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे उनको भी जीएसटी के जो 28% वाली स्लैब थी उससे 18% की तरफ शिफ्ट है वो कर दिया गया है। तो धीरे धीरे राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट है वो 28% से चीजें कम करती हुई जा रही है और धीरे धीरे मतलब जीएसटी को एक सिंगल फॉर्म की तरफ लाने के लिए अग्रसर है वो हो रही है। देखो जीएसटी का मेन मोटो क्या था, वन नेशन वन टैक्स की बात की जा रही थी। तो देखो स्टार्टिंग में वन टैक्स तो यहाँ पे नहीं रहा था, गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्लैब है वो लाई गई थी, बट अभी जो गवर्नमेंट धीरे धीरे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान कर रही है वो यही कर रही है कि जीएसटी के जो भी रेट हैं उनको एक ही रेट पे लाने की कोशिश की जा रही है। पहले 28% में चीजें बहुत ज्यादा थी, अब धीरे धीरे 28 से 18% में शिफ्ट की जा रही है, 18% से 12% में शिफ्ट की जा रही है। तो मतलब क्या है कि एक ही रेट को डिसाइड करने की तरफ अग्रसर गवर्नमेंट यहाँ पे दिख रही है। तो उसी बारे में बताया गया है कि देखो जब जीएसटी लागू हुआ था तब काफी कुछ लोगों को नुकसान हुआ था, एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आई थी, उससे पहले नोटबंदी का इफेक्ट भी यहाँ पड़ा था, तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर पे काफी ज्यादा इफेक्ट उस चीज का पड़ा था। जब जीएसटी काउंसिल की लगातार मीटिंग हो रही है और आज के टाइम पे देखा जाए तो जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो भी काफी अच्छा है। देखो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी कि जीएसटी है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इस चीज में आप कभी कंफ्यूज मत होना कि जीएसटी कौन से टाइप का टैक्स है। भाई जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि यह जो कस्टमर होता है उसके बेसिस पे लगता है, जहां जहां सेल हो रही है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि जिस इंसान ने खरीदा उसी को लग गया। अब किसी कंपनी से किसी भी इंसान ने प्रोडक्ट खरीदा फिर अगर वो सेल कर रहा है तो जिस इंसान ने उस सेल करने के बाद खरीदा और कंजप्शन यूज किया उसको, उसी को टैक्स पे करना पड़ा है ना, इसलिए बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स वो हो गया। तो ऐसे हमें ध्यान रखना कि जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एक इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बताई है कि देखो जीएसटी की जो स्लेब्स हैं इसमें टैक्स रेट में चेंज हो रहा है, इससे कहने की हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जैसे लो टैक्स वाली चीज जैसे मान लो कोई चीज है वो 18% वाली स्लेब में आ रही है, अगर गवर्नमेंट उसको बढ़ा के 28% में कर देती है तो उसका नुकसान क्या होता है, इससे जो अगर उसकी रेट ओबियसली टैक्स रेट बढ़ी है तो उस चीज की डिमांड है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाली है। जैसे मान लो कि कोई इंसान ने नई कंपनी लगाई या फिर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे तो खतरा ही है ना कि यार क्या पता मैं इन्वेस्टमेंट करूँ और गवर्नमेंट उसको 28% में रख देगी तो प्रॉफिट कम होगा ऑब्वियसली। तो ये देखो 28% में तो काफी रिस्की चीजें हो जाएंगी ना, कि जो बहुत कंपलसरी है वही लोग खरीदेंगी, बाकी कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। इसलिए जीएसटी में अगर बार बार रेटों में चेंज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। बट एक टाइम के बाद अगर इन चेंजेस को इसलिए किया जा रहा है कि भाई एक नेशन और एक टैक्स की जो बात कॉन्सेप्ट था उसको हम कम्पीट कर सकें, इसीलिए गवर्नमेंट बार बार इन टैक्स रेटों में चेंज कर रही है ताकि एक ही टैक्स है उसको सेट है वो किया जा सके। इसके द्वारा ही गवर्नमेंट की इस मीटिंग में काफी सारी और भी बातें हुई, बट जो मेन पॉइंट था मुद्दा यहाँ पे था वो हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया है। तो ये एक दो पॉइंट इसमें काम के थे। इसके साथ यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये है इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है इसके बारे में कि भाई किस तरीके से इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो साइन की गई थी, कौन से उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस थी, कौन सी सिचुएशन थी, उनको यहाँ पे डिस्कस है वो क्या गया। तो थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हम देख लेंगे। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये है इसराइल को लेकर। अभी आपको पता है इसराइल ने अपने आप को ज्यूज कंट्री है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो यहूदी को जो कंट्री है वो बन गई है इसराइल, तो उस चीज को लेकर इस एक्ट का एक्चुअली काफी कंट्रीज विरोध कर रही है। मेनली जो मिडिल ईस्ट की बात करें वो सारी कंट्रीज इसका विरोध कर रही है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इसराइल को ज्यूज कंट्री या यहूदी कंट्री घोषित कर दिया गया तो कहीं ना कहीं जो बाकी और रिलीजन के लोग हैं चाहे मुस्लिम हो या और कम्युनिटी के, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होने वाला है और उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो उस चीज को लेकर यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज वगैरह किया जा रहा है, बट हमारे लिए इसमें कुछ काम का नहीं है भी क्या क्या नहीं। जो मेन मोटा सीन था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि इसराइल ने अपने आपको यहूदी कंट्री है वो डिक्लेयर किया है।
ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फिट था हमारे लिए। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं इसराइल की लोकेशन, तो वो हमने यहाँ पे मैपिंग के थ्रू बहुत बार डिस्कस भी कर लिया है। चलो आप ये बताइए कि इसराइल की लोकेशन है वो कहाँ पे है। इसराइल की लोकेशन आप देखिए, इसके एक साइड तो मेडिटेरियन सी है और इसके एक साइड और है, डेड सी है, रेड सी है, कैस्पियन सी है, कौन सा वो आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट एक्चुअली वहाँ की लोकेशन होती है। आपको एक ये भी बताना है कि कैस्पियन सी, डेड सी और रेड सी है, इनको आपको नॉर्थ टू साउथ है वो अरेंज करना है। तो ये भी आपके लिए आज गए क्वेश्चन है, आपको उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर यहाँ पे जो नीचे आर्टिकल है भी कुछ खास नहीं है, तो इनको यहाँ पे डिस्कस है वो नहीं कर रहे हैं। अब देखो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान की इलेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। बात की जाए पाकिस्तान में तो लगभग 10 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, वो लोग वोट देने वाले हैं, इलेक्शन अभी है। बट राइटर यहाँ पे जो चिंता उठा रहे हैं वो काफी एक तरीके से बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि भाई हमारा पड़ोसी देश है। अब देखो आपको एक चीज पता है कि पड़ोसी है, तो ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कि पाकिस्तान की जगह किसी दूसरी कंट्री को लाके शिफ्ट कर दें कि भैया आप इधर हो जाइए, हम आपकी जगह दूसरे पड़ोसी को लेकर आ रहे हैं। पड़ोसी जैसा भी हो हमें उसे ही सहन है वो करना पड़ेगा। बट राइटर ये बता रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में हालात है ना, वो हालात अगर वैसे ही रहे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खतरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो कहने के नाम पर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, बट जो अभी वहाँ पे चल रहा है ना वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का काफी अपोजिशन, डेमोक्रेसी का काफी अपोजिट में है। देखा जाए वहां पे तो अभी मिलिट्री का लोर है वो चल रहा है, नाम नाम की डेमोक्रेसी बची है वहां पे, सिर्फ मिलिट्री है वो अपनी दादागिरी दिखा रही है। देखा जाए तो जुडिशरी है वो भी कहीं नहीं अपनी हस्तक्षेप है वो बढ़ा रही है। मतलब देखा जाए एक तरीके से कहूँ आपको तो पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी और वहां पे देखा जाए तो मिलिट्री दोनों मिलकर रूल है वो कर रही है, डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम नाम की बची है। फिर यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी तो वहाँ पे खतरे में है ही है, इसके साथ वहाँ पे टेररिज्म वो लगातार पनप रहा है, टेररिज्म के लिए वहाँ पे काफ़ी फर्टिलिटी ग्राउंड है वो अवेलेबल है। इसके साथ ही बात की जाए तो पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक हालात हैं वो भी ठीक नहीं है, अभी इकोनॉमी उनकी काफ़ी डाउन में है। इसके साथ बात की जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मिलिट्री रूल है, आज जुडिशरी है वो भी हालात में ठीक नहीं चलिए। और एक अहम बात जिसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है वो होता है मीडिया, तो डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर की बात की जा रही है कि मीडिया है उसको भी कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रेशर है वो करके रखा गया है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप का रोल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। परवेज मुशरफ के टाइम पे भी हमने देखा था कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप का रोल है वो बढ़ा था, और सेम वही हालात आज वहाँ पे हो रहे हैं। राइटर फिर थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट बता रहे हैं कि देखो वहाँ पे नवाज शरीफ थे, खैर वो काफ़ी अच्छे जैसे भी हो बट वो वहाँ के अकॉर्डिंग मतलब डेमोक्रेसी के लिए वो सही थे, इसीलिए वहाँ की जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं उन्होंने एक्चुअली मिलकर उन्हें जेल वेल में काफ़ी सारे इशूज़ वगैरह वो यहाँ पे डिस्कस हैं किए गए हैं। बट हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि भाई पड़ोसी है हमारा तो वहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी इलेक्शन है, इसके बाद में बात की जा रही है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हमने के लिए खतरे में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको खतरे में इसलिए रखा गया है कि वहाँ पे मिलिट्री है वो अपने रूल का यूज है, अपनी पावर को बढ़ा रही है। देखा जाए तो जुडिशरी है वो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाके काम है वो कर रही है। तो कुल मिला के बात ऐसी कि डेमोक्रेसी को उन्होंने जीने लायक ही नहीं छोड़ा है, तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे बेसिकली बताए गए। इसके अलावा देखो हमें एग्जाम में आपको पता एक चीज बताऊं, आंसर राइटिंग हो या कुछ भी हो हमें सिर्फ पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि पड़ोसी है, डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में फिर आगे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसी है, वहाँ पे क्या इश्यूज वगैरह वो हम आराम से बता सकते हैं, इकोनॉमी के बारे में बता सकते हैं। मतलब हमें ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि हमें डेमोक्रेसी का पॉइंट लेके चलना होता है, इकोनॉमी, फिर वहाँ पे बता सकते हैं मिलिट्री, मीडिया के हालात हैं वो भी कहते हैं। तो ऐसे अगर हम मेन मेन पॉइंट्स कीवर्ड ध्यान में रखते हैं, एक्चुअली ये कीवर्ड मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि इन कीवर्ड की हेल्प में हम एग्जाम में आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन है वो कर सकते हैं। तो हमें एग्जाम में इन कीवर्ड की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारा काम वो आसान हो जाए। फिर हम बात करें इंडिया और भूटान के रिलेशन की, तो राइटर ये बता रहे हैं कि देखो इंडिया और भूटान के रिलेशन है ऊपर नीचे, मतलब अप डाउन आता रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा से अच्छे रहें, कभी खराब भी रहें कभी अच्छे भी रहें, कुल मिला के ठीक ठाक रहें। अभी तक देखा जाए आज़ादी के बाद तो हमारे रिलेशन है वो भूटान के साथ अच्छे ही रहें, कुल मिला के एवरेज बात हम किए जाएँ। बात यहाँ पे की जा रही है कि फ्रेंडशिप ट्रीटी की, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी 1949 में, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि कौन सी कंडीशन थी। देखो उस टाइम पे आपको पता है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो एक्चुअली उन्होंने भूटान के सामने दो ऑफर रखे थे, या तो वो एक्चुअली इंडिया के अंदर एक तरीके से जिस तरीके से सिक्किम में एक स्टेट था कि उसको ऑटोनॉमी रहेगी, बाकी सारे अपने काम है वो रहेगा एक्चुअली इंडिया के अंदर, तो उस तरीके से प्रावधान की बात थी। दूसरी बात ये थी कि इनके जो एक्सटर्नल फॉरेन रिलेशन है वो इंडिया संभालेगा, तो उस टाइम पे तो भूटान ने कह दिया था कि नहीं भाई आप दोनों ही काम रहने दो, हमारी से सोवरेनिटी का इशू वगैरह हो रहा है। बट बाद में 1949 में फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो साइन की गई थी, जिसके तहत है इंडिया है वो भूटान के जो भी आप बोल सकते हो कि डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं फॉरेन, वो एक्चुअली इंडिया ही मेंटेन है वो करता है। बट यहाँ पे फिर देखो और भी मतलब थोड़े पॉलिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं कि वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इन इन कंडीशन में घूमने गए थे ये वगैरह, तो वो तो हमारे लिए कुछ काम का यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, इसीलिए इंडिया ने जब भूटान का इशू हुआ था चाइना के साथ डोकलाम पे, तो इंडिया ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन है वो लिया और भूटान के लिए जो डोकलाम का इशू था उसको सोल्व करवाया। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि देखो जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, वो कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेशन के लिए काफ़ी अहम होती है,
और कहा जाता है कि डिप्लोमेसी है वो एक ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, मतलब कहा जो पुराने का पुश्तैनी काम धंधे होते हैं उसी तरीके से डिप्लोमेसी भी एक पुराना बिजनेस है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा स्किल की जरूरत होती है, हमें काफी सारी चीजों का नॉलेज होना होता है तभी हम डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बना के रख सकते हैं। और इंडिया ने भूटान के साथ वो रिलेशन है वो कंटिन्यू मेंटेन करके रखे हैं। फिर बात की जा रही है कि भूटान ने इंडिया के काफी सपोर्ट किया है और इवन इंडिया ने भी भूटान को काफी सपोर्ट है वो किया है। एक भूटान है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया आपको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऑब्वियसली उसकी हेल्प करेगा और इसी के साथ पड़ोसी है तो भी। दूसरी बात क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर का काम कर रहा है क्योंकि लोकेशन उसकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए भी भूटान हमारे लिए काफी अहम है। इसके बाद बात की जा रही है नैन की, कि नियोन अलायंस मूवमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो गुट निरपेक्षता थी उसमें भी भूटान ने कहीं ना कहीं इंडिया का इंडिया का योगदान है, इंडिया को आप बोल सकते हो कि हेल्प है सपोर्ट है वो क्या था। तो बात यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि जो सिचुएशंस थी उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग भूटान और इंडिया के दोनों रिलेशन है वो अच्छे चल रहे थे, वही बात यहाँ पे हिस्ट्री है वो डिस्कस की गई है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जुडिशरी के बारे में। इस आर्टिकल में बहुत अच्छी बात बताई गई है, इसमें ये कहा गया है कि भाई जुडिशरी की जो जजमेंट है ना वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि लोगों को समझ में नहीं आती है, मतलब आम लोग हैं वो जुडिशरी की जो डिजाइन है जुडिशरी के जो भी जजमेंट होती है किसी भी केस की वो समझ ही नहीं पाते, इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी लेंथी होती है, इतने लंबे लंबे सेंटेंस यूज किए जाते हैं कि उनका मतलब ही समझ में नहीं आता है। तो राइटर बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे ऐसे जजमेंट है वो रिलेवेंट नहीं है, हमें काफी सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यूके के अंदर आज वहाँ पे जो जजमेंट है वो इतने काफी सिंपल लैंग्वेज में होते हैं कि आम आदमी भी समझ पाए। तो राइटर का एक तरह की है कि देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंग्लिश का इतना है नहीं, तो इंडिया में जो जजमेंट है वो काफी सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए ऑब्वियसली, जबकि देखा तो इंडिया में जो जजमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, काफी सिंपल जजमेंट होनी चाहिए अगर उस जजमेंट का बेनिफिट ये होगा कि आम आदमी उसको समझ पाए। आप एक चीज खुद बताइए, जब आम आदमी को ही जुडिशरी की जजमेंट समझ में नहीं आएगी तो फिर क्या मतलब हुआ जज का? काफी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए ना ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि भाई न्याय कैसे हुआ है, न्याय होते हुए दिखता भी तो चाहिए ना कि हाँ इस तरीके से न्याय हो किया गया है। काफी लंबी अगर प्रोसेस आप 100-100 500 पन्नों की अगर आप जजमेंट बना रहे हो उससे अच्छा तो है कि आप एक या दो पेज की जजमेंट बनाइए काफी सिंपल फॉर्म में ताकि हर आदमी को समझ में आ जाए कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि देखो जो नेरो स्टेटमेंट है काफी बार वो यूज किए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है। इसके बाद में बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई फॉर्मेट है ना ही कोई फ्रेमवर्क है, बस इतनी कॉम्प्लेक्स जजमेंट बनाई जाती है कि इससे टफ कुछ बन ही नहीं सकता, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है और आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए भी सही नहीं है क्योंकि हम खुद ही इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि यार हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब तक हम जुडिशरी के जजमेंट है उसको जो भी स्टेटमेंट आता है किसी भी केस का हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एटलीस्ट हर इंसान के लिए काफी सिंपल फॉर्म में जुडिशरी को जो जजमेंट है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि आम लोग भी उसका मतलब समझ सकें, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। फिर यहाँ पे राइटर एक अपना सजेशन दे रहे हैं कि देखो जो भी जजेज वगैरह की ट्रेनिंग होती है एकेडमिक टाइम पे उस ट्रेनिंग के दौरान इसी चीज पे फोकस करना चाहिए उन्हें, इसी स्किल पे कि जो जजमेंट है वो कितनी सिंपल फॉर्म में बनाई है वो जा रही है, क्योंकि ये भी काफी अहम होता है भाई। जो अगर आप जजमेंट सिंपल बनाओगे तो ऑब्वियसली आम लोग उसे समझ पाएंगे ना, तभी तो पता चलेगा ना कि जुडिशरी का रोल कैसा है, जुडिशरी किस तरीके से काम कर रही है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने से थोड़ी पता चलेगा कि कितना नॉलेज है, काफी सिंपल लैंग्वेज होगी तभी तो लोगों को समझ में आएगा, तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। फिर हम जो एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था और इसे हम 2-4 पॉइंट्स वो देखते हैं, वो एक्चुअली है सरप्लस फूड को। देखो बात ऐसी है, अब पहले के टाइम पे इंडिया जब आजाद हुआ था उस टाइम पे इंडिया के पास फूड का काफी बड़ा इशू था, मतलब फूड सिक्योरिटी नहीं थी, बट आज इशू क्या हो गया है, इंडिया के पास अनाज है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो हमारी डिमांड है ना उसके मुताबिक हम कई गुना अनाज है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन वो काफी काफी ज्यादा है डिमांड से। जैसे ये मानो कि हमें एक साल में अगर टोटल ये मानो कि 1 करोड़ टन अनाज चाहिए तो आज के टाइम पे जो अनाज प्रोड्यूस हो रहा है वो 2-3 करोड़ टन अनाज है वो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हमारी लिमिट से बहुत ज्यादा हो रहा है। और नुकसान की बात क्या है कि हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफी चिंताजनक बात है। यहाँ भी फिर बताया गया काफी सारे जो एग्जाम्पल की बात करें, पोटेटो की मिल्क प्रोडक्शन ये सब आज की जो हमारी डिमांड है उससे कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर भी हम इनकी सप्लाई फॉरेन कंट्रीज में नहीं कर रहे हैं और इसका हमें सही प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। देखो राइटर एक सजेशन तो फिर ये देते हैं कि हाँ ये बात सही है कि हम थोड़ा कंजप्शन बढ़ा सकते हैं, बट आप एक चीज जानते हो कि जो भी फूड प्रोडक्ट है इनका कंजप्शन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकता। भाई एक इंसान है 2 चपाती खाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 के 2.5 खा लेगा, ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ के खाना वेस्ट किया जाएगा। तो इससे क्या है कि हम एक लिमिट के बाद कंजप्शन तो नहीं बढ़ाएंगे बट हम एक्स्ट्रा चीजों की तरफ फोकस कर सकते हैं, इसके साथ हमें और भी सारे स्टेप उठाने होंगे। तो यहाँ पे राइटर को सजेशन दे रहे हैं कि जो सरप्लस फूड है उसका हम कहाँ कहाँ यूज है वो कर सकते हैं। एक तो राइटर ये कह रहे हैं देखो सरप्लस फूड है उसका एक कंजप्शन हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम लोगों की इनकम बढ़ा दें। भाई गरीब आदमी अगर चीजें खरीद पाएगा तभी तो कंजप्शन बढ़ेगा ना, तो मतलब हमें हर गरीब लोगों को जो उनकी इनकम है उसको बढ़ाना होगा। कुल मिला के बात यह है, चाहे फार्मर हो चाहे गरीब लोग हो चाहे कोई भी हो, अगर हमें कंजप्शन बढ़ाना है ना लोगों का तो हमें इनकम बढ़ानी होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो कुछ खरीद के खाएंगे वो। इसके लिए जैसे क्या करना होगा, उनकी इनकम बढ़ा देंगे
तो उससे क्या होगा, लोग फ्रूट वगैरह हैं, वेजिटेबल हैं, मिल्क वगैरह ये चीज़ें खरीद के खाएंगे, तो इनकी कंजप्शन हमारे इंडिया में कंज्यूम हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा, एक तो लोग हेल्थी रहेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट होगा, लोगों को भी डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाना होगा, तो कुल मिला के हमें काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, मतलब हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद में डायरेक्टरी बता रहे हैं कि जो मिड डे मील जैसे प्रोग्राम है वहाँ पे मिल्क वगैरह है, अंडे वगैरह ऐसी चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, इन पे फोकस है वो करना चाहिए, मतलब ऑल ओवर जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनके भी ऊपर भी हमें कंजप्शन को थोड़ा बढ़ाने की तरफ फोकस है वो करना चाहिए। इसके बाद में एक सजेशन ये दिया जा रहा है कि भाई एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, देखो जैसे राइस हुआ, शुगर हुआ, इनके एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना चाहिए, बट यहाँ पे डायरेक्टरी एक डिफरेंट एंगल दे रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्शन है वही हमें कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे राइटर एक बहुत अच्छा पॉइंट है वो बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनना इस एंगल को। राइटर के द्वारा ऐसा कहना है कि जैसे राइस हुआ और शुगर हुआ, शुगर किससे बनती है? गन्ने से। अगर आपको पता है कि गन्ने की खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, राइस की खेती के लिए भी पानी की बहुत जरूरत होती है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों ही फसलों का अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पानी की ज़्यादा डिमांड, पानी का हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर पानी ज़्यादा खर्च करें और फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम इंडिया का पानी फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं, और आपको पता है इंडिया में तो पानी की वैसे ही क्राइसिस आने वाले हैं। तो कुल मिला के राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें हमारी जो एग्रीकल्चर है ना उस पर भी फोकस करना चाहिए, हमें जो जिन फसलों में ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना उनको हमें हमारी डिमांड के मुताबिक ही प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको ज्यादा प्रोड्यूस करो फिर हम एक्सपोर्ट करें, उससे तो हमें उल्टा नुकसान होगा, हमारे देश का पानी वो फसलों में लगाएंगे फिर वो फॉरेन कंट्री में चला जाएगा, तो हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो सबसे बेटर ये कि हम इन फसलों का प्रोडक्शन है वो इतना ही करें जितनी हमारी डिमांड हो, ताकि हमारा पानी है वो बचा रहे और उस पानी को हम दूसरी जगह यूटिलाइज वो ढंग से कर सकें। फिर यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत कम है, इंडिया को अपनी प्रोडक्टिविटी मतलब क्वालिटी पर फोकस करना होगा। कुल मिला के बात यह है कि जैसे मान लो कि एक एकड़ के अंदर इंडिया के अंदर ये मान लो कि सिर्फ 100 क्विंटल गेहूँ है वही प्रोड्यूस हो रहे हैं, केवल मानना है, मैं खैर नहीं होते हैं बट फिर भी मान लेते हैं कि एक एकड़ के अंदर 100 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट जो क्वालिटी जो एफिशिएंसी वो बहुत कम है, हमें इसे इंप्रूव करना होगा, हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, 150 क्विंटल करना होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि हमें जो क्वालिटी वाले सीड्स हैं वो यूज करने होंगे, इसके साथ ही हमें जो पानी की सिंचाई का जो मेथड है उसको हमें चेंज करना होगा, और नए जो सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है उनका यूज हमें करना होगा, ये यहाँ पे बात है वो की जा रही है, ताकि क्या होगा कि कम एरिया में हम अच्छी फसल बो सकें जिससे किसानों को भी बेनिफिट होगा और होगा। इसके साथ ही राइटर एक चीज़ ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं MSP का, कि देखो गवर्नमेंट को MSP है ना इस पर थोड़ी पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट को काफ़ी समझदारी से इस चीज़ को यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है नॉर्मली, जो काफ़ी पॉपुलर फसलें होती है ना उन्हीं पर MSP बढ़ाती है, जैसे कि गेहूँ हुआ, चावल हुआ, ऐसी चीज़ों पर। बट राइटर का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को जो बाकी और चीज़ें हैं ना जो कि इंडिया इम्पोर्ट कर रहा है, जैसे कि दाल हुई, इनकी MSP बढ़ानी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि लोग MSP की वजह से क्या होंगे, दालें वगैरह को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगर दालें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा, इंडिया को दालों का इंपोर्ट नहीं करना होगा, जिससे इंडिया का पैसा बचेगा और इंडिया में डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी मामला सेट हो जाएगा, किसानों को भी अच्छे दाम है वो मिल जाएंगे। बट गवर्नमेंट क्या करती है, गेहूं चावल जैसी फसलों पर MSP बढ़ा देती है, तो उसका क्या होता है, लोग इनको दबा के पैदा करते हैं, और जब गेहूं चावल काफ़ी अच्छे पैदा हो जाते हैं फिर इनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो कुल मिला के क्या होता है, दाल वगैरह हम खरीदते हैं तो उल्टा में नुकसान होता है। बेटर यही है ना कि हम MSP दाल वगैरह के लिए दें, ताकि हमें सही ढंग से उसका यूटिलाइजेशन है वो हो सके। इसके साथ ही राइटर बता रहे हैं कि जो नेता लोग हैं वो पॉपुलिज्म की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं, मतलब लोभ लुभावनवाद की तरफ, वो क्या करते हैं जैसे किसानों का लोन माफ़ कर दिया, या फिर किसानों को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बेनिफिट दे दिए, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पॉपुलिज्म की बजाय हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए कि यार हम किस तरीके से किसानों की इनकम बढ़ा सकते हैं। देखो किसानों को जैसे लोन माफ़ कर दिया, तो लोन तो पिछले एक साल के लिए माफ़ हुआ है, अगले साल फिर इश्यू आ गया तो फिर लोन माफ़ से थोड़ी सोल्यूशन होगा। इससे बेटर तो यही है ना कि भाई किसानों को जो फसल वगैरह के लिए बीज दिए जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के बीज फ्री में दे दिए जाएँ, उनको सिंचाई के साधन फ्री में दिए जाएँ। मतलब यहाँ पे ये है कि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि ये लोन माफ़ करने से। लोन माफ़ करने से जो किसान आड़ती वगैरह से लोन लेते हैं, साहूकार वगैरह से, उनका लोन माफ़ होता ही नहीं है, केवल जिन्होंने बैंक से लोन लिया उन्हीं का माफ़ होता है। जबकि देखा जाए तो इंडिया में मैक्सिमम किसान है वो आड़ती वगैरह हुआ, साहूकार से लोन लेते हैं, तो उनको तो फायदा हुआ ही नहीं ना, तो कहीं ना कहीं इनका सभी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मतलब हमें शॉर्ट टर्म सोच की बजाय लॉन्ग टर्म पे फोकस है वो करना चाहिए। इसके बाद में राइटर लास्ट में वही कह रहे हैं कि जो MSP वगैरह है उसमें हमें ऑयल सीड और दालों पर फोकस करना चाहिए, ताकि इंडिया को इस चीज़ का बेनिफिट भी हो और इंडिया जो इम्पोर्ट कर रहा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम है वो लग सके। तो ये सारा आर्टिकल था जिसे हमने डिस्कस किया। एक्चुअली आज हम डिस्कशन में काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो थोड़ा लेक्चर बनाने में काफ़ी लेट है वो हो गई है, तो सॉरी फॉर डिले। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।